छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ प्रदेश स्तर के संविदा कर्मचारियों की आवाज़ पर बीजापुर जिले में संविदा कर्मचारियों के द्वारा 16 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 तक 5 दिवसीय हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन जारी। अपनी बातों को रखते हुए कर्मचारियों ने बताया, प्रदेश सरकार 2018 में अपने वादा में मैनिफेस्टो में बताया था कि 10 दिवस के अंदर हम संविदा कर्मचारियों को नियमित कर देंगे, परंतु आज तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। यदि प्रदेश सरकार 26 जनवरी को हम कर्मचारी के लिए किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं करती है नियमितीकरण को लेकर के, तो हम सब कर्मचारी 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। सभी तर्क न्यूज़ सच की आवाज़ बीजापुर से संवाददाता सिरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश। आज आप लोग हड़ताल बैठे, मैडम बताना चाहेंगे कि आज लोग की कौन सी मांगे है, विशेष मांग जिसको लेकर आप हड़ताल बैठे हैं? हमारी सबसे पहली और आखिरी मांग है कि हमको नियमितीकरण चाहिए। बहुत सारे संविदा विभाग है, 54 विभाग है, जिसमें सैकड़ों की तादाद पे संविदा कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी सुविधाएं देती आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने 2018 में जब हम लोग हड़ताल पे बैठे थे तो आके उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को 10 दिन के अंदर नियमित करेंगे, लेकिन आज 4 साल बीतने को आ रहा है, वो अपने बात से मुकर गए हैं और हम अभी तक ऐसा कोई भी हमको सुविधा उनके द्वारा नहीं दिया गया है जिससे लगे कि हम रेगुलर हो रहे हैं। अभी 5वां साल उनका ख़त्म होने को है, तो हम अभी 20 तारीख का जो तक जो निश्चित हड़ताल है उस पर रहेंगे, और नहीं 26 तारीख अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आपकी क्या मैडम जी बताइए? सर मेरा नाम डॉक्टर सरिता कश्यप है। अच्छा ये बताइए, आज आप किस लिए हड़ताल कर रहे हैं? सर हम सब सारे नियमितीकरण के लिए हड़ताल कर रहे हैं, जो सरकार ने हमसे वादा किया था वो पूरा नहीं किया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं। यदि आपकी मांग पूर्ण नहीं होती तो आप क्या करेंगे? सर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 30 तारीख के बाद से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे।